आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस मेथी मसाला पाटी। ये सर्दियों की एक खास रेसिपी है, बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिखा रेसिपी में। मेथी मसाला पाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा। तीनों को हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी खुशबू आने तक सेक लेंगे। तो 5 मिनट में हमारा ये मसाला सिककर रेडी हो गया है। इसे हम ठंडा करके अच्छे से क्रश कर लेंगे। यहाँ मैंने 100 ग्राम मेथी ली है, इसे बारीक काट कर अच्छे से धोकर रख लेंगे। अब हम मसाला बाटी का डो लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कप मोटा आटा लिया है। अगर मोटा आटा नहीं है तो आप सादा गेहूं के आटे में सूजी मिला सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप मक्के का आटा मिलाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1/4 कप अब इसमें हम बेसन मिलाएंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर से मसाला बाटी में कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, इसे हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी इसमें डाल देंगे। वो ज़रूर डालें, उससे मसाला बाटी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 पिंच मीठा सोडा डालेंगे, इससे बाटी बहुत ही अच्छे से फूलती है। अब इसमें मोयन के लिए हम 4 से 5 चम्मच तेल डालेंगे और साथ ही हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने धनिया थोड़ा सा और डाला है। इसमें 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी डाल देंगे और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त सा डो लगा लेंगे। सख्त डो लगाने से बाटी बहुत ही क्रिस्प बनती है। तो यहाँ हमारा आटा लग चुका है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो 15 मिनट में हमारा ये आटा अच्छे से सेट हो गया है। हल्का सा इसे चिकना करेंगे और एक बार इसे वापस से मसल लेंगे। और अब छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर इसकी बाटी बनाएंगे। बाटी की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। इन बाटियों में आप चाहे तो आलू मटर की स्टफिंग भी भर सकते हैं। स्टफ मसाला बाटी कैसे बनाते हैं उसके लिए आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्हें राउंड घुमाते हुए इसके सारे क्रेक्स बंद कर देंगे और इसे बीच में से हल्का सा प्रेस कर देंगे। सारी बाटियाँ हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो सारी मसाला बाटी हमने इसी तरह से तैयार कर ली है। तो यहाँ मैंने 6 मेथी मसाला बाटी बनाई है और 6 सादा बाटी बनाई है। तो चलिए अब इन्हें सेक लेते हैं। तो यहाँ सारी बाटियों को मैंने बाटी मेकर में अरेंज कर दिया है। अब इन्हें हम 5 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर सेकेंगे। 5 मिनट बाद हम इन्हें उलटते पलटते हुए सेक लेंगे, इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। और अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए सेकेंगे। बीच बीच में हम इन्हें चेक करते रहेंगे, बीच बीच में इनकी साइड्स को पलटते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाटियाँ काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। तो सारी बाटियों को हम सेक लेंगे। बीच बीच में आप गैस की फ्लेम थोड़ा सा हाई भी कर सकते हैं। उलट पुलट करते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। इसे कड़ी दाल चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करिए, बहुत बढ़िया लगती है। और शाम की चाय के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सारी बाटियों को हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो यहाँ हमारी बाटियाँ सिककर रेडी है। बाटी को हाथों से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, देखिए कितनी खिली खिली और सॉफ्ट बाटी बनी है। तो इसे हम घी में डिप करेंगे या आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी मेथी मसाला बाटी बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।